पाकिस्तान में मसूद अजहर एक खुंखारा तंकी की हत्या की खबर अब सामने आ रही है बात हम करेंगे जी एक बार फिर मौलाना मौलाना फजल रहमान जी बल्कि मौलाना मसूद अजहर नाम है उसका बेहतर उरो वाले का मसूद अजहर सर ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है ना इसका वीडियो आया सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिल रही है अज्ञात लोगों ने मसूद अजहर को बम से उड़ा दिया है मौलाना मसूद अजर जो कि कि इंडिया में भी वॉन्टेड है है अनुमान ये है बाला की जिस स्ट्राइक हुई उसी दिन जल के खाक हो गया और इसकी राख वहाँ की मिट्टी में मिल गई कंधार प्लेन हाइजेक का मास्टरमाइंड था मसूद अजहर कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें के मसूद अजहर जो है वो मारा गया है और पाकिस्तान के भावलपुर से वापस लौटते समय उसकी क्या की गई है तो अब 99 परसेंट या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी अगर कुछ कटाफटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका वो उसमें ही मर गया ये एक समझे ये एक डिक्लेन ऑफ वॉर है जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का, का नाम आलमी दहशत की फहरिस्त में शामिल और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी और वो कहते हैं ना बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की अली साहब असल तो अभी करना है ये तो प्रैक्टिस थी सबके बाद अभी भी लगता है की मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है तो इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले ऐसी पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुका है तो इंडिया में टेररिज्म हमारी तरफ ऐसी बहुत करवाई गयी है लेकिन पाकिस्तान का जो आईटी है वो है इंटरनेशनल टेररिज्म दाना मसूद अजर जो कि इंडिया में भी वांटेड है और जिसके बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है उसके लिए जो है जी जो न्यूज़ आई है अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है मैं पहले बता दूं वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज़ की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था तो मैं ये बता दूं कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था तो अनोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है और कहा यही गया है कि जी ये जैश मोहम्मद का यह आदमी है यानी आदमी था कि है पता नहीं मेरे मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई ब्लास्ट हुआ है और जिसमें के मसूद अजहर जो है वो मारा गया है और सुबह के पांच बजे बताया जा रहा है अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है लेकिन महाराज ये न्यूज़ एक सोशल मीडिया पे चल रही है कई वेबसाइट्स ने ये ये न्यूज़ उठाई है और कहा यह जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है वैसे कंफर्म न्यूज़ आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी तो ऐसा मुझे नहीं लगता हो सकता है हो जाए होने का कुछ भी हो सकता है चमत्कार भी होते ही आखिर ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है तो फिर जाहिर है कि ये चीज भी जो है वो हो सकता है कंफर्म हो जाए किसी तरीके से लेकिन फिलहाल ये एक अनकंफर्म न्यूज है कई वेबसाइट्स जो है सोशल मीडिया पे कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है लेकिन ये खबर कहाँ तक सही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जो लोग अभी बता, बता इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं और बहुत परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि जी ऐसे ही फेक न्यूज है और ऐसे ही न्यूज है तो उनके लिए मैं ये कहती चलूं कि आ, जो पहले न्यूज थी आ, उसको भी अभी तक कोई फेक साबित नहीं कर सका लेकिन मरा ये भारत के सर्जिकल स्ट्राइक में ही है 99% नाइन बा, उसके बाद जो धमाका होगा 199 तो वही मरा अब आईएसआई डिक्लेयर क्यों कर रहा पैसे चाहिए हिंदुओं पे नजर है और कहीं ना कहीं मोदी जी पे ये प्रेशर बनाओ मिडिल ईस्ट से इधर उधर से आप नवाज शरीफ से बात करो नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाने का मतलब है बात करो दोस्ती करो पैसे लाओ वो कहते हैं ना एक हाथ में वो डॉलर डौ, और ड्रैगर डिप्लोमेसी एक हाथ में डॉलर एक हाथ में ड्रैगर सामने से हमें दोस्ती करनी है हमसे दोस्ती कर लो हम सुधर गए सर कुत्ते की दुम कभी नहीं सुधरती नहीं सुधरेंगे और मैं जो आज आपको एक और चीज बता दू आज जयपुर डायलॉग के माध्यम से मैं मेजर साहब को वालेकुम भेजना चाहता हूँ मेजर साहब असला पाकिस्तान में एक व्यक्ति है संजय सर ये यूट्यूब चैनल चलाता अब ये मत पूछिएगा मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता ये आई का मेजर है ये आई का मेजर है वर्किंग अच्छा। मेजर है और ये यूट्यूब चैनल चलाता तो मेजर साहब को मैं अस्सलाम वालेकुम भेज दू मेजर साहब ऐसा नहीं कि हमें पहले नहीं पता था हमें भी पता था आप सोचते थे आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं हम आपके साथ खेल खेल रहे हैं तो इस खेल खेल के खेल में कौन किसके साथ खेल खेल गया कभी अपने छोटे दिमाग पर जोर डाल के अध्ययन कर दीजिएगा मतलब हमारा तो खैर हमने तो अध्ययन कर ही लिया और आपको एक और एक आपको एक और इसके बारे में एक, एक, दे, दू, एक हिंट दे दू इस मेजर साहब के पास जो इसको पास से जानते इसके पास हमेशा ब्लॉक की पिस्टल कैरी करता अपने साथ ब्लॉक की पिस्टल हमेशा रखता अपने साथ तो मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम हम आपको पहले से जानते थे आपके दाएं बाएं जितने लोग हैं उनको भी पहचानते थे बट ये है कि ठीक है कुछ काम आप हाँ भी देश के लिए करते कुछ काम हम हाँ भी देश के लिए करते वो इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये जो आप मुखोटा उठ के बैठे हो ये इधर उधर का इधर उधर का हमें सब पता है भारत को सब पता है मतलब तुम्हारी मिस्ट्रेसें कितनी हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहा कहाँ है वो भी हमें पता है और मिशन सेवन क्या है ये भी हमें पता है मिशन सेवन तुम्हारा क्या था मिशन सेवन वाले को बता रहा हूँ भाई तेरा मिशन सेवन हमें पता क्या है तो इसीलिए और बाकी भी और चीजें पर वक्त आने पर हम धीरे धीरे करके सब चीज बोलेंगे पर... के पाकिस्तान कभी हैंड ओवर नहीं करेगा क्योंकि हाफिज सईद से फिर वो बकवा लेंगे ना सारे कनेक्शन जो क्योंकि हाफिज सईद खुद तो ऑपरेट नहीं थे कर सकते जब तक उसके साथ कोई ना कोई ये रोग स्टेट डीप स्टेट के अंदर लोग इन्वॉल्व ना हो मुझे ये याद है जब ये हुआ था दो, दो में तो हमारे गालिबा फॉरन मिनिस्टर ही थे तब शाह महमूद कुरैशी वो इंडिया में थे और प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी और प्रेसिडेंट थे आसिफ जरदारी तो उस वक्त तो ये हुआ भी था कि यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था कि ठीक है हम इंडिया के साथ कोऑपरेट करते हैं और उधर से फिर डॉज़ियर भी आ गया सारा प्रूफ आ गया तो लेकिन वो फिर हमारी डीप स्टेट ने पुट द फुट डाउन के नहीं नो no कोऑपरेशन तो हालांकि ये था कि हमारे जनरल बाज, क्या नाम था उनका यार पाशा के वो जाएंगे इंडिया और ये सारा कुछ होगा शायद वो आईएसआई के हेड थे तब लेकिन सम हाउ दैट डिड नॉट हैपन ये बहुत बड़ा एक देखें वैसे तो इंडिया में टेररिज्म हमारी तरफ से बहुत करवाई गई है लेकिन जब आपने बॉम्बे में जाके पहले एक ट्रेन इन्होंने उड़ा दी थी थ्री उसके अंदर क्योंकि आम वो ट्रेन पे जाने वाले लोग थे मेरे आपकी तरह तो कोई ज्यादा शोर नहीं मचा 2008 26 नवंबर को जब इन्होंने किया तो उनके जो फाइनेंशियल और उनके जो हाई प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन हैं ताज होटल उनका एक लैंडमार्क है और फिर इस किस्म के कई और जगह भी हैं एक मशहूर कैफे भी है तो उनको उन्होंने तो अब फिल्म भी एक बना दी है जो मैंने देखी है जिसमें नाना पाटेकर शायद है इज द मेन पर्सन जी हाँ वो मैंने देख ली हुई है और मैं क्योंकि पिछले साल की